पन्ना के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी श्रावण अष्टमी मेला 9 से 16 अगस्त तक। कोविड-19 नियमों के साथ होगा श्रावण अष्टमी मेले का आयोजन। डॉक्टर अमित शर्मा। लंगर, नारियल चढ़ाने, मूली बांधने, ढोल नगाड़े तथा लाउडस्पीकर पर रहेगा प्रतिबंध। प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी में श्रावण अष्टमी मेले का आयोजन कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए 9 से 16 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। मेले के सफल आयोजन को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त ऊना डॉक्टर अमित शर्मा की अध्यक्षता में यात्री सदन भरवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान ADC ने कहा कि कोरोना वायरस अभी पूरी तरह से गया नहीं है तथा अभी भी महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में श्रावण अष्टमी मेला के दौरान मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि मेला के दौरान निजी लंगर लगाने, नारियल चढ़ाए, मूली बांधने, ढोल नगाड़े, लाउडस्पीकर व चिमटा इत्यादि बजाने के अतिरिक्त प्लास्टिक व थर्मोकोल का इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डॉक्टर अमित शर्मा ने कहा कि मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र को 9 सेक्टरों में बांटा जाएगा। सुरक्षा एवं श्रद्धालुओं में उचित दूरी बनाए रखने के दृष्टिगत 1000 पुलिस व होमगार्ड के जवानों सहित त्वरित कार्यबल की टीमें तैनात रहेगी तथा कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस का एक कमांडो दस्ता आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए गठित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान डॉग स्क्वायड का प्रबंध भी किया जाएगा। ADC ने बताया कि मेले के दौरान सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह अस्थायी शौचालय बनाए जाएंगे तथा ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए रिकवरी वैन तैनात की जाएगी। भीख मांगने वाले भिखारियों पर भी नज़र रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी। मेले के दौरान श्रद्धालुओं को चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने के लिए विभिन्न स्थानों पर एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक कैंप स्थापित किए जाएंगे। किसी भी आपदा अथवा आग इत्यादि की घटना से निपटने के लिए अग्निशमन वाहन भी तैनात रहेंगे। मेला अवधि के दौरान श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की उचित सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मेला शुरू होने से पूर्व सड़कों की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बैठक के दौरान सभी विभागीय अधिकारियों से मेले के सफल आयोजन के लिए अपना हर संभव सहयोग प्रदान करने की अपील भी की। जी, ये तो इस साल का श्रावण अष्टमी का मेला है, 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। उसमें जितनी हमारी तैयारियां हैं उसका जायज़ा लिया गया है और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इसमें खासकर हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, क्योंकि कोविड दूसरी लहर से हम जस्ट अभी उभर ही रहे हैं, तो उसमें कैसे श्रद्धालुओं से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करवाया जाए, उसमें क्या क्या हमको सावधानियां रखनी है, उस बारे में चर्चा की गई। इसमें जैसे कि लंगर व्यवस्था को लेकर बात चल रही है, तो अभी तक तो हमारा यही विचार था कि लंगर, प्राइवेट लंगर सारे अभी तक बंद है, उस बारे में विचार किया जाएगा। इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज अभी कुछ गरीब श्रद्धालु हमारे यहाँ हैं, हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एनफोर्स करवाना है, लोग मास्क पहने उसको एनफोर्स कराने के लिए जो भी चैलेंज आता है, उसमें हम कई सारी चीज़ें जो ट्राई कर रहे हैं पुलिस के माध्यम से, IEC के माध्यम से, चलाने के माध्यम से, ताकि कोविड बिहेवियर जो है वो लोग मैक्सिमम हद तक फॉलो। ऊना से आपका फैसला TV के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा की रिपोर्ट।